रंग के बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे भी टूल्स है, पूरा जो टूल्स इसमें जो यूज होता है ये सारी चीजें इसमें परफेक्ट तरीके से। वो गैस देख रहे हैं 832 या 31 है, जो भी है 822 है। तो ये कंप्लीट आपको सारा चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीसीबी वगैरह सब कुछ यहाँ पे निकाल के रखा गया है और मेंटेनेंस के लिए आया हुआ है और कंटिन्यू चल रहा है क्लास। तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबके फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में। और आज हम आ गए हैं आपके एसी पीसीबी रिपेयरिंग और जो मैकेनिकल वर्क होता है इसमें। तो इस कोर्स में हम क्या क्या अलग अलग चीजें जो बताए, जैसे मैकेनिकल हो गया ये सारी चीज बताते हैं, पीसीबी रिपेयरिंग के बारे में बताते हैं। और यहाँ पे देखिए पूरा पीसीबी आपका जो है यहाँ पे रखा हुआ है। ये आपका विंडो एसी है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक स्प्लिट एसी है और ये पूरा उसका मैकेनिज्म रखा हुआ है, सर्विस करने के लिए रखा हुआ है। पूरा आपका पीसीबी का जो है एसी का वो रखा हुआ है साथ में, सबसे नीचे देखेंगे। तो अभी इसमें एसी जो आपका विंडो वाला है इसमें कुछ काम हो रहा था और आशुतोष सर जो है इस पे कुछ काम कर रहे थे, तो वो बताएंगे कि इसमें अभी क्या कर रहे थे। बताइए आशुतोष सर, बताइए इसमें क्या कर रहे थे। जी हम ये कर रहे हैं, हमारा 2 टन का स्प्लिट एसी का आउटडोर है। इस आउटडोर के यूनिट में हमारा जो ये पाइप, दो पाइप आपको दिख रहा होगा। अच्छा, जो एक हमारा सक्शन लाइन होता है जी जी, ये सक्शन लाइन होता है ये मोटी वाली। अच्छा, और जो ये पतली लाइन है ये हमारा, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन। अच्छा, या लिक्विड लाइन, ठीक है। लिक्विड भी बोल सकते हैं और डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं जी जी, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हुआ था, ये लीकेज था, इसको वाल्व बोलते हैं और ये लीकेज था, ठीक है। तो ये लीकेज होने के कारण मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए हमने यहाँ से इसको ज्वाइंट को हटा दिया है, ठीक है। तो मेन है कि आप इसमें चेंज करने की प्रक्रिया बता रहे हैं कि इसमें इसको कैसे चेंज करेंगे लीकेज होने की वजह से, ठीक है। हम इसको खोल दिए हैं, ठीक है जी जी। अब हम इसको लगाएंगे तो आप देखिए कैसे हम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले ज्वाइंट को तो हटा दिया है, उसके बाद हम इसमें देखिए दो आपको नट दिख रहे होंगे यहाँ पे, बिल्कुल, ठीक है। तो दोनों को हम प्रॉपर धीरे से खोलेंगे, ठीक है। इसको निकालने के बाद अच्छा, हमें जो नया जो वाल लिया है, ठीक है, अच्छा, इसको हम लगा देंगे फिर वैसे ही। अच्छा, अप्रोक्स ये मार्केट में कितने के आसपास पड़ जाता है मार्केट में? ये आपको अलग अलग रेट के आते हैं, कहीं 220 250। अच्छा अच्छा, हाँ वैसे आपको मिल जाएंगे, कोई सस्ता देता है कोई महंगा देता है, अलग अलग प्राइस के अलग अलग हिसाब से आते हैं। अच्छा, ठीक है। ये अलग अलग मॉडल के हिसाब से भी आते हैं, कोई तिरछा होता है कोई मतलब ऐसे होता है, ठीक है। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे हम थोड़ा सा फंसा देते हैं जहां तक जा रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसको ज्वाइंट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, देखिए एक टॉर्च होना चाहिए और ये केन है, इसे एलपीजी केन बोलते हैं, ये टॉर्च है। उसके बाद हमारे पास एक लाइटर या माचिस होना चाहिए, लाइटर लाइए। तो ये एक तरह से मान लीजिए कि आपका ये गैस के ही काम, गैस ही होता है, मेन गैस ही है, गैस ही है। अच्छा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हाँ हाँ, ये एलपीजी गैस ही होता है। इससे हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, पिघलाते हैं। जब ये गर्म हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास एक ब्रेजिंग रॉड होता है जिससे हम इसकी ज्वाइंट को, अच्छा अच्छा हाँ, ज्वाइंट करते हैं। तो अभी आप स्टार्ट करेंगे, आप देखिए हम इसको ज्वाइंट कर रहे हैं। देखिए हमारा ये ब्लोअर जल चुका है, ठीक है, ठीक है। उससे इसको हम हीट करेंगे। अच्छा, तब तक हम ब्रेजिंग रॉड को नहीं पिघलाते हैं जब तक ये लाल ना हो जाए। आप देखिएगा ये खुद लाल हो जाएगा, ठीक है, ऊपर बैठ गया है। देखिए ये बैठ गया है और ये जैसे ही पिघलना लाल हो जाएगा हम ब्रेजिंग रॉड को देखिए पिघल रहा है, पिघल रहा है ना। ठीक है, और इसको इतने करने के बाद हिलाना नहीं है क्योंकि हिलाएंगे तो लीकेज आ जाएगा ना। इसको हिलाना नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए ही छोड़ देना होता है। अब देखिए ये पकड़ लिया है चारों तरफ से, ठीक है, हमारा ज्वाइंट कंप्लीट हो चुका है। अब छोड़ दीजिए, ये आपका प्रॉपर तरह से प्रॉपर ये ज्वाइंट हो चुका है हमारा। तो ये हमारा चेंज करने का तरीका, ठीक है।
चलिए मे भी ये ज्वाइंट हो गया है और फिर अभी आशुतोष सर बताएंगे कि इस कोर्स में क्या क्या कराते हैं। तो जिस तरह बताएंगे सर, इस कोर्स में आप क्या क्या कवर करते हैं और क्या क्या बताते हैं स्टूडेंट को? जी, हमारे कोर्स में जैसे कि हमारे घरेलू एसी जो लगते हैं, हमारे घरों में जो एसी कई टाइप से आते हैं, जैसे विंडो एसी हो गया, स्प्लिट एसी हो गया, तो विंडो एसी का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, डिसमेंटल कैसे करते हैं, इसका लीक टेस्ट कैसे करते हैं, उसमें गैस को कैसे हम भरते हैं, ऐसे हम बताते हैं। आउटडोर जो हो गया, आउटडोर को मतलब या सर्विस कैसे करेंगे, इंडोर का सर्विस कैसे करेंगे, तो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आपको बताई जाएंगी। तो कोई भी कोर्स करने के लिए हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में संपर्क कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कंप्लीट दिखा देता हूँ। ये पूरा हमारा जो लैब है, एसी पीसीबी और मैं जो अभी आपका है जो एक्सटर्नल है, इंटरनल दोनों जो होता है, इन सब ये जो है टूल्स है जो आपको सर्विस करने के लिए यूज होता है। उसके बाद ये देखेंगे कि ये इंटरनल आपको जो एयर ब्लोअर होता है वो है, और ये जो एक्सटर्नल जो हम लगाते हैं वो है। और इसके बारे में अगर आपको कंप्लीट अगर लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा, कंट्रोलर, एलसीडी, एलईडी या एसी पीसीबी वॉशिंग मशीन से रिलेटेड अगर आपको चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना हो या फिर मेंटेनेंस वाला केवल करना है, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर www.multitechinstitute.com पे विजिट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे भी टूल्स है, पूरा जो टूल्स इसमें जो यूज होता है ये सारी चीजें इसमें परफेक्ट तरीके से, वो गैस देख रहे हैं 32 या 31 है जो भी है, R22 है। तो ये कंप्लीट आपको सारा चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीसीबी वगैरह सब कुछ यहाँ पे निकाल के रखा गया है और मेंटेनेंस के लिए आया हुआ है और कंटिन्यू चल रहा है क्लास। तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।